सहारनपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 वर्ष में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का डीजल चोरी कर चुके हैं। ये गिरोह सीधे IOC की पाइपलाइन से डीजल चोरी किया करता था। पूरी घटना बता रहे हैं SSP आकाश तोमर। में हम लोगों ने एक इंटरस्टेट ऑटो थेफ्ट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से उनके पास से एक 4-व्हीलर जो कि थाना मसूरी जनपद उत्तराखंड से चोरी हुई थी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ, वो मिली है। 5 अन्य बाइकें भी चोरी की मिली है। तो हम लोग इनकी लिंकेजेस पता कर रहे हैं कि और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ होगी कि कहाँ कहाँ और इन्होंने घटनाएं कार्यरत करी हैं, और बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको भी लिंक करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भरा है इन्होंने, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 1 लाख लीटर तेल जो करीब 1 करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान इन्होंने पिछले 2 सालों में देश को पहुंचाया है। इसमें संगीत धाराएं लगाई गई हैं। गैंग लीडर इसमें संदीप नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में इसी मामले में हरियाणा से जेल जा चुका है। इसमें हम गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई भी करेंगे, और इसमें यह बात भी प्रकाश में आई है कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत थाना भोपा में ये पेट्रोल पंप चलता था, इसको बायो डीजल का लाइसेंस था परंतु वो पेट्रोल और डीजल भी बेचा करता था। ये बात प्रकाश में आई है कि जिला पूर्ति अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस में कार्यरत कुछ लोगों से संपर्क में थे, और वहां पर महीना बंधा हुआ था जिस कारण से वहां पर पूर्ति विभाग द्वारा चेकिंग नहीं की जाती थी। ये बात प्रकाश में आई है, तो इसमें हम और गहनता से जांच कर रहे हैं। यदि बात इसमें पुष्टिकारक साक्ष्य और मिलते हैं उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा ये लोग जो टावर की मेंटेनेंस की कंपनियां होती हैं उनके लोगों से भी संपर्क में थे, वहां पर भी रूटीन तरीके से ये लोग पेट्रोल चोरी करके डीजल चोरी करके ये लोग पेट्रोल पंप पर बेचा करते थे। कुल 8 लोग इसमें गिरफ्तारी हो गई, 4 लोग और वांछित हैं, और इसके अलावा सरकारी जो पूर्ति विभाग के लोग हैं और जो हमारे जियो और वोडाफोन इन सबके टावर्स की मेंटेनेंस वाले लोग हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि गैंग में लगभग 2 दर्जन लोग शामिल हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुड वर्क है। तो मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नाम इसमें दिया जा रहा है, और EDGIG साहब द्वारा भी आश्वासन दिया गया है वो विभिन्न स्तर से इनाम इसमें देंगे, और मेरे द्वारा शासन में भी बात की जाएगी जिससे टीम जो बहुत अच्छा काम किया है उनके उत्साहवर्धन हेतु शासन द्वारा भी कोई इनाम इसमें दिया जाए। मामला लगातार 2 साल से चल रहा था गैंग, और यह इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि जनवरी 2021 के बाद से कोई नंबर 1 में पेट्रोल उस पेट्रोल पंप द्वारा खरीदा ही नहीं गया है। 2 साल से केवल चोरी का पेट्रोल ही और डीजल ही ये लोग बेच रहे थे, तो 2 साल से वर्कआउट लगे हुए थे लगातार एक गैंग, और इस संबंध में वो उत्तर प्रदेश के DGP और उत्तराखंड के DGP और सीनियर अन्य ऑफिसर से भी मुलाकात इन्होंने करी थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा टीम का गठन किया गया था। हमारी सर्विलांस टीम और थाना सरसावा की टीम ने इसमें लीड्स लिए, और इसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3-4 लोगों की गिरफ्तारी से और शेष है, और कुछ सरकारी लोग और कुछ जो हमारे प्राइवेट टावर से संबंधित लोग हैं इनकी भी हम लोग साक्ष्य संकलन करके गिरफ्तारी इसमें करेंगे।